चंद अशआर और मैं हजरत की दुआएं लेता और चाह रहा हूँ समाप्त करें, उसके बाद आप हजरत की खूबसूरत तकरीर समाप्त करेंगे। वहाँ बस एक मतलब कह दीजिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो कुछ लोग अब तक खामोश हैं, अगर आप भी बोलेंगे आपके नाम आमाल में नबी नेकियों का इजाफा हो जाएगा, पढ़ने वाले की हौसला अफजाई हो जाएगी। मोहब्बत से एक मतलब कह दीजिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। है शेर के दिन एक पल में, है शेर के दिन एक पल में, क्या से क्या खूबसूरत मतलब पढ़ता हूँ। अल्लामा इलियास साहब बैठे हैं, इनकी खूबसूरत तवज्जो के साथ। है शेर के दिन एक पल में, क्या से क्या हो जाएगा। है शेर के दिन एक पल में, मैं पहुंचा रहा हूं समाप्त करें। कि चांद फिर फट जाएगा, चांद फिर फट जाएगा, सूरज भी वापस आएगा। बहुत ही मशहूर वाक्य किस्म में मैं शेर पढ़ रहा हूँ समाप्त करें। मेरे आका ने इशारा किया, चांद को दो टुकड़े कर दिया। आका ने इशारा किया हजरत अली के लिए, सूरज को वापस बुला लिया। मैं खूबसूरत शेर पहुंचा रहा हूँ, मोहब्बत से लगातार साथ कह दीजिए सुभान अल्लाह। कि चांद फिर फट जाएगा, सूरज भी वापस आएगा। आला हजरत कहते हैं चांद जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। मोहब्बत से बुलंद आवाज से कह दीजिए सुभान अल्लाह। कि चांद फिर फट जाएगा, सूरज भी वापस आएगा। चांद फिर फट जाएगा, चांद फिर फट जाएगा, सूरज भी वापस आएगा। चांद फिर फट जाएगा, सूरज भी वापस आएगा। एक
के इशारा आपका गे आज भी हो जाएगा जब शफी बन के खड़ा। और राजी मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल मलयावी साहब तशरीफ रखे हैं, अल्लामा सगीर साहब बैठे हैं। इन बुजुर्गों की दुआ लेता हुआ एक खूबसूरत शेर करें मोहब्बत से, एक मतलब कह दीजिए सुभान अल्लाह। कि जब शफी बन के खड़ा, ये खूबसूरत शेर समाप्त करें। कि ढूंढते रह जाएंगे उसको फरिश्ते हशर में, ढूंढते रह जाएंगे उसको फरिश्ते हशर में, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। शेर पढ़ना समाप्त करें। एक ही सजदा किया ये, मोहब्बत से कह दीजिए एक ही सजदा किया ये, सोच के शब्बीर में एक ही सजदा शेर पढ़ता हूँ समाप्त करें। कि पहन लेगा जो भी इश्क़े
मुस्तफाई का लबास पहन लेगा जो भी शिखे, खड़ा शमसू